तो महाराष्ट्र में मंदिर पर महाभारत छिड़ गई है। कोरोना काल में मंदिर खोलने के सवाल पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमने सामने आए तो अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी मौका नहीं चूका और उद्धव सरकार पर निशाना साधा। कंगना ने उद्धव सरकार को गुंडा सरकार कहा और कहा कि आखिरकार राज्यपाल ने गुंडा सरकार से सवाल किए हैं। ये सवाल सुनकर अच्छा लगा। कंगना ने कहा कि गुंडा सरकार ने बार खोले लेकिन मंदिर बंद रखे, रेस्टोरेंट खोले लेकिन मंदिर बंद रखे, बाबर सेना से भी बदतर है सोनिया सेना। ये बातें कंगना रनौत ने ट्विटर पर कही हैं। हमारे सहयोगी अमित त्यागी इस वक्त मुंबई से फोन लाइन पर इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। बताइए अमित। जी कंगना हमेशा ही जब भी कुछ होता है महाराष्ट्र में हमेशा ट्विटर पर आती हैं और आज भी उन्होंने ये गवर्नमेंट पर निशाना साधा है पूरे मामले पर जिससे बातचीत चल रही है। तो और बीती रात ही बॉलीवुड के सब लोगों ने मिलकर कुछ चैनल का बहिष्कार करे, उसके बीच में कंगना का एक ट्वीट आना उनके बेबाकीपन और उसको दिखाता है कि किस तरह से वो मतलब अपने विचारों को रखती हैं और देश में कोई भी मुद्दा हो उनकी आवाज हमेशा आगे रखती है। तो एक बार फिर से कंगना ने अपनी आवाज बुलंद की है। देश से ज्यादा महाराष्ट्र में लगता है वो सरकार पर या उद्धव ठाकरे पर हमला करने का मौका चूकना नहीं चाहती कोई भी। जी हाँ अभी मतलब हर तरह से मतलब वो आई थिंक बहुत क्रिएटिव वे में उनके ट्वीट होते हैं जहाँ उद्धव सरकार हो और कहीं ना कहीं उनका जो वो उनके साथ जो हुआ उनके बेटे को तोड़ा गया उसका अभी जो दर्द है अभी तक छलक रहा है जो उनके ट्वीट में वो गाहे बगाहे आई मीन अगर उनके ट्वीट पर नजर जाए तो एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि वो एकदम फॉलो करती है उनकी टीम और प्रॉपर्ली सही समय पर निशाना मारती हैं। आई थिंक ये एक एकदम राजनीति का मिला हुआ जो कहूंगा राजनीति में भी अभिनय के साथ साथ लगता है काफी पारंगत है। शुक्रिया अमित त्यागी बात करने के लिए, जानकारी वहां से देने के लिए। तो कंगना रनौत ने मौका नहीं चूका, उद्धव ठाकरे पर हमला किया क्योंकि सियासत गर्म है, राज्यपाल की चिट्ठी और उसके बाद उद्धव ठाकरे का पलटवार। राज्यपाल ने चिट्ठी में लिखा कि आप मंदिर क्यों नहीं खोल रहे, यहां तक कि उद्धव के हिंदुत्व पर भी हमला किया। उद्धव ठाकरे ने कहा हिंदुत्व पर आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बीजेपी के समर्थकों ने आज सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया इसी मामले को लेकर। ये महाराष्ट्र का नया मोर्चा है जिसकी जड़ में मंदिर है लेकिन जिसकी मंजिल सियासत है। कोरोना काल में मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर का कपाट तो बंद है लेकिन मंदिर के बाहर कोलाहल है। बीजेपी सड़कों पर है और मंदिर का द्वार खुलवाने पर आमादा है। ये सरकार हिंदुत्व को ठेचने का बात कर रही है, ये हिंदुत्व को मारने की बात कर रही है, ये हिंदुत्व को मारने की बात कर रही है। हम हिंदुत्व नहीं छोड़ेंगे, हम मंदिर में जाके रहेंगे। राष्ट्र की उद्धव सरकार धर्म विरोधी एजेंडा इस महाराष्ट्र में चला रही है, मंदिर विरोधी एजेंडा इस महाराष्ट्र में चला रही है और हमने राज्य में घंटानाद आंदोलन किया लेकिन महाराष्ट्र की ये गुंगी बहरी और अंधी सरकार साधु संतों की संवेदना समझ नहीं पा रही है। महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने का मुद्दा अचानक से गर्मा गया है। सिद्धि विनायक से शिरडी तक बीजेपी कार्यकर्ता संग्राम पर उतारू हैं, तो उनकी मांग को ताकत दे रहे हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। जरा उद्धव ठाकरे के नाम राज्यपाल का ये खत देखिए। ये विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार रेस्टोरेंट खोले, दूसरी तरफ देवी देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया। आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं, आपने भगवान राम के प्रति भक्ति व्यक्त की, आपने आषाढ़ी एकादशी पर विट्ठल रुक्मणी मंदिर का दौरा किया। क्या आपने अचानक खुद को धर्मनिरपेक्ष बना लिया है जिस शब्द से आपको नफरत है? खत खुलकर बता रहा है कि बहाना मंदिर खुलवाना है लेकिन असली निशाना कहाँ है। राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव के हिंदुत्व पर चोट की तो थोड़ी ही देर बाद उद्धव का भी जवाब आ गया। जवाबी चिट्ठी में उद्धव ने लिखा, मुझे अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मुंबई को पीओके बताने वाले का स्वागत करने वाले हिंदुत्व के मेरे पैमाने पर खरे नहीं उतरते। सिर्फ धार्मिक संस्थानों को खोल देना
हिंदुत्व नहीं है। राज्यपाल बनाम उद्धव ठाकरे, ये पहली बार नहीं है, हमने इससे पहले भी देखा था कि अंडर ग्रेजुएशन की परीक्षाओं के लिए उद्धव ठाकरे और राज्यपाल के बीच में सामना देखने को मिला था। आज फिर से राज्यपाल ने खत लिखकर कहा था कि आपका सेक्युलरिज्म बदला कैसे, और उद्धव ठाकरे ने उनको जवाब में लिखा है कि सिर्फ मंदिर खोलने ना खोलने से कोई सेक्युलर या अनसेक्युलर नहीं बन जाता। ये बात उद्धव ठाकरे ने इस खत में लिखी और काफी कड़े शब्दों में खत लिखा है, जवाब दिया राज्यपाल के पत्र का उद्धव ठाकरे ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है उद्धव ठाकरे ने कि उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, उनके हिंदुत्ववाद के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप समझ ही गए होंगे कि उद्धव ठाकरे का निशाना किस तरफ है। मुंबई को पीओके बताने वाली जुबान किसकी थी? जी हाँ, सीधे निशाने पर है कंगना, जो उद्धव से जंग में कोश्यारी से मिली थी। आज उद्धव ने उस मुलाकात पर हमला बोल दिया, लेकिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री की ये खतो किताब बता रहा है कि रिश्ते और राजनीति किस हद तक पहुँच चुके हैं। मुंबई से कमलेश सुतार और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। और सीधे आपको लेकर चल रहे हैं मुंबई, कमलेश सुतार हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जो लगातार सुबह से पूरा घटनाक्रम कवर कर रहे हैं। सिद्धिविनायक के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से आरती उतारी और प्रदर्शन किया कि मंदिर के दरवाजे खोलिए, उद्धव सरकार राज्यपाल की चिट्ठी के इतर, चिट्ठी में तो जो लिखना था लिख दिया उन्होंने, मंदिर खोलने पर क्या रुख रखती है कमलेश? देखिए, इस खत में ही रोहित उद्धव ठाकरे ने पूरा जो रुख है सरकार का बता दिया और क्यों नहीं खोल सकती सरकार मंदिर ये भी बता दिया है। लेकिन इसके पीछे की अगर हम राजनीति देखें तो बार बार ये चीज़ देखने को मिली है, राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है। राज्य में यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, जो राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्य विधान परिषद पर जाते उसको लेकर भी दोनों में टकराव देखने को मिला था, दोनों ने एक दूसरे को खत लिखे थे। इसके बाद अब मंदिर के मुद्दे को लेकर जो राज्यपाल ने भूमिका ली है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया है और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन याद दिलाया, उन्हें संविधान याद दिलाया और उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी का एक तरह से याद दिला रहे हैं उद्धव ठाकरे उन्हें इस बात को लेकर। लेकिन उद्धव ठाकरे शायद उद्धव ठाकरे को यह बात आहत हुई कि जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा निकला, जिस तरह से हिंदुत्व की बात हुई, उन्हें राज्यपाल ने इस खत में लिखा था कि आप तो आप सेक्युलर कब से बन गई, एक तरह से जो सवाल उठाया उस पर उद्धव ठाकरे ने उनको यह भी बताया कि उनके हिंदुत्व को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। एक तरफ तो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सुरोहित मुंबई में आंदोलन हुआ, पुणे में आंदोलन हुआ, शिरडी के साई बाबा मंदिर के बाहर भी आंदोलन हुआ, लेकिन आंदोलन एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ ये सियासत देखने को मिलती है और इसके जरिए इसके सेंटर को भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता नहीं है। हालांकि नेताओं ने आंदोलन रास्ते पर किया, लेकिन इसको एक तरह से आइडियोलॉजिकल लड़ाई बनाने का जो काम हुआ है वो राज्यपाल के खत से हुआ और इसके जरिए एक बार राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री का संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो ये अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही है। मंदिर खोले जाने चाहिए ये मांग रखने वाली भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी नहीं है महाराष्ट्र में, कई पार्टियों ने इससे पहले भी इसी तरह की मांग रखी थी, चाहे वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, वंचित बहुजन आघाड़ी हो, MIM हो, इन सब ने धार्मिक स्थल खोले जाए इस मांग को लेकर अलग अलग तरीके से मांग रखी है, आंदोलन भी किया है। लेकिन आज इस तरह से एक जो तरह से शिवसेना की तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड होने का आरोप लगाया गया, उद्धव ठाकरे के खत में भी लिखा गया कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मांग करते हो, आप भी खत लिखते हो, तो जाहिर सी बात है एक तरह से सवाल उठा रहे उद्धव ठाकरे और ये सियासत एक अलग मोड़ लेती हुई नजर आ रही है।